अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने इदारे लॉयल ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के इदारे में मौजूद हैं। हमारे साथी मौजूद हैं जिसमें हमारे रफ़ी साहब हैं, जिसे इससे पहले अपडेट्स में आपने रफ़ी साहब को देखा है। इनके बेटे रोशन हैं जिनका इलाज अभी भी हॉस्पिटल में चल रहा है। एक बहुत बड़े ऑपरेशन का, एक एक्सीडेंट का शिकार बने थे। सिलसिला इनका जो चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, तो एक बहुत बड़ी रकम की इनको ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और एक इन्फ्लुएंसर हमारे सुहेल रसूल साहब हैं, सबके ताउन से जो है 25,60,000 रुपये की रकम कुछ जमा हुई थी, इनके हवाले किया गया था। और एक बाप है माशाल्लाह, हर वक्त कोशिश में लगे कैसे भी मेरे बच्चे की जान बचा लूँ मैं, और मेरे बच्चे को पिछली जो ज़िंदगी थी, जो मुकाम था, उस पर मैं कैसे भी खड़ा दूँ मेरे बेटे को। उसके बाद से लेकर अब तक जो 6 महीने का अरसा गुजरा है, अब तक 55 लाख रुपीज़ अब तक इन्होंने खर्च कर दिया है। अपनी होटल दाव पे लगा दी, घर के जो जेवरात थे, जो कुछ भी था, जो कुछ लगाना था लगा दिया, लगाकर जो है अपने बच्चे की जान बचाने की मैं कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाहिर सी बात है कि दोबारा वो ज़िंदगी पर आना और कदम पर चलने वाले बनना, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है और पैसे की मज़ीद ज़रूरत पड़ती है। तो दोबारा दरख्वास्त आई थी, तो हमने 1 महीना पहले शायद तकरीबन दोबारा फंड रेज किया था, कोशिश की थी। तो उस वक्त अल्लाह के नेक बंदों ने जो भी ताउन करना था ताउन किया था, तो हमने रफ़ी साहब को जो है 50,000 रुपये का जो चेक है हमने उनको दी थी। दोबारा हमारे साथियों के अंदर एक बेचैनी थी कि बाप अपने बच्चे के लिए इतना लड़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है। और रफ़ी साहब की सबसे बड़ी और अहम चीज़ हमारे सब साथियों को और इस इदारे को पसंद आई कि इनकी जो ट्रांसपेरेंसी थी, जो कुछ भी होता था वो इतना दिल से खुलूस से अपडेट दिया करते थे। और कभी कॉल कर नहीं पूछा कि साथ भाई आप वीडियो बनाकर गए हैं, कुछ हुआ, कुछ इंतज़ाम होगा, क्या आप कुछ कर पाएंगे, कभी हमसे सवाल नहीं किया। बस हर वक्त यही बोले कि साथ भाई लॉयल ह्यूमैनिटी ट्रस्ट आपका इदारा जो भी मेरे लिए करेगा बस मैं शुक्रगुजार रहूँगा, और जब मेरा बच्चा सही सलामत मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद मैं भी अपनी ज़िंदगी और मेरा बच्चा भी अपनी ज़िंदगी जो है इंसान की खिदमत के लिए लगाएगा। तो हमारे साथियों ने एक बड़ा फैसला लिया कि अल्लाह के नेक बंदे ताउन तो करते हैं और कहते हैं कि खैर की जगहों पर इसे इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इदारे की जानिब से 2,50,000 की चेक हम रफ़ी साहब को दे रहे हैं। रफ़ी साहब ये अवाम की जानिब से है, अवाम ने आपके बच्चे की जान जिस तरीके से आप बचा रहे हैं, हमारे अली भाई की खुसूसी बात थी इसके अंदर कि नहीं, शुरू से अली भाई हमारे नूर भाई बोल रहे थे कि नहीं कुछ भी हो जाए हम रफ़ी भाई की बिल्कुल मदद करेंगे, क्योंकि ऐसा बाप जो अपने बच्चे के लिए, जो बचपन में जो बच्चा पैदा होता है तो किस तरीके से उसका इलाज कराता है, अपनी गोद में लेकर प्यार करता है, आज भी बच्चा इतना बड़ा होने के बावजूद भी आप कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस जो भी है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि आप लॉयल ह्यूमैनिटी ट्रस्ट को और इंसानियत को खिदमत का मौका दिए हैं, अपनी इबादत बना लेने का मौका दिए हैं, कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, और आपने मौका दिया है कि लोग आपकी मदद करें और ख़ुद सवाब हासिल करें। कुछ कहना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं, कुछ भी कहना, बात करने का कोई मौका ही नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं, कुछ बस भी नहीं। सबका तो तहे दिल से तो हर मतलब शुक्रगुजार रहते हैं अली भाई। ऐसे बहुत सारे हमारे साथियाँ हैं जो डोनर्स, और वो फ़ोन करके बच्चे की तबीयत पूछती हैं, आपके बच्चे की तबीयत पूछती हैं, तबीयत कैसी है, मैसेज डालते हैं। आज सुबह में हमारे नूर भाई को दिखाया, आज सुबह को भी एक पेमेंट आया तुम्हारे वास्ते, तो उन्होंने भाई हमारा नाम डिस्क्लोज करो उनको, बस ये हमारे अमानत तुम्हारे तक पहुँचा दा लो करके बोले, बस जो देखने वाले हैं, जो ताउन के हैं, उनके वास्ते एक छोटा सा शुक्रिया अदा कर दीजिए। मेरे तरफ से लॉयल ह्यूमैनिटी की तरफ से आप लोगों को, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके देने पे ज़्यादा से ज़्यादा कबूल फरमाए। जितना बोलना था साथ भाई अली भी तो पूरा फरमा चुके हैं, बोल चुके हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी बोल नहीं सकता, मैं माफ़ करना। नहीं देखिए, एक बाप है, बेशक वो थोड़ा इमोशनल हो गए हैं, बस अल्लाह आपकी जो सोच है, जो आपकी माशाल्लाह ईमानदारी है, अल्लाह आखिरी सांस तक आपके अंदर ये ईमानदारी बाकी रहे और आपकी औलाद में भी ये अखलाक आए। और मैं भी उम्र में छोटा हूँ, आप मेरे उम्र में बड़े हैं, अल्लाह आपके जो अखलाक हैं, जो आपकी जो सलाहियत है, अल्लाह मुझे भी दे और तमाम उम्मत मुस्लिमा के साथ अल्लाह खैर आफियत के फैसले करे। तो जज़ाकअल्लाह खैर, इसी तरीके से इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे, जब तक जिस्म में जान रहेगी इंसानियत की खिदमत आम रहेगी।